हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्योसेरा के 4125 और 4135 के कुछ स्पेसिफिकेशन। तो ये मॉडल जो है इकोसिस में आता है। इकोसिस इट मींस ये प्लेटिना जैसा मॉडल है जिसको आप बोल सकते हैं। पेट्रोल कम पीती है और एवरेज जो है ज़्यादा देती है। तो कुछ इस प्रकार ही यह मॉडल डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको मिलने वाला है प्रिंट, फोटोकॉपी और स्कैन। फेक्स इसके साथ भी ऑप्शनल ही है। मोस्ट ऑफ मशीन के साथ में आपको फेक्स जो है ऑप्शनल ही मिलने वाला है, चाहे वो केनन हो, क्योसेरा हो या कोनिका मिनोल्टा हो। किसी भी मशीन में आप देखेंगे फेक्स आपको ऑप्शनल ही मिलने वाला है, क्योंकि कंपनियां फेक्स को इनबिल्ड नहीं देती है। इसमें उनका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, जिससे मशीन की कॉस्ट बढ़ जाती है। मशीन के साथ में इनबिल्ड करके नहीं देती है, वो आपको अलग से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो ये मॉडल दिखने में कुछ इस प्रकार है, जो कि सिंगल ट्रे के साथ में आता है। यह अभी फुली लोडेड है, पर इसके साथ में आपको आरएडीएफ इनबिल्ड ही रहेगा। आरएडीएफ आपको इनबिल्ड ही रहेगा इसमें, और डिस्प्ले कुछ इस प्रकार से इसका रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट फीचर, इसमें जो है क्या क्या हम लोगों को मिलने वाला है। ब्रेक थ्रू डिजाइन फॉर इजी यूज कंट्रोल एंड सर्विस। इसको ऐसा डिजाइन किया गया कि आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, कंट्रोल और सर्विस भी आप इसका खुद ही कर सकते हैं। हाई इमेज क्वालिटी के साथ में ये 1200 डीपीआई प्रिंट रिजोल्यूशन इसका होने वाला है। फर्स्ट कॉपी इसका जो टाइम है वो 6.5 है। कलर का छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हम कलर का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अभी ब्लैक एंड व्हाइट ही डिस्कस करेंगे। एक्सीलेंट क्लियरिटी, जो कॉपी क्वालिटी और प्रिंट क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा होने वाला है। फास्ट स्कैन है इसमें, साथ ही इसमें आप वायरलेस लेन में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, पर ये इनबिल्ड नहीं रहता है, इसको भी आपको अलग से परचेस करके लगाना पड़ता है। एयर प्रिंट और मोप्रिया सर्टिफाइड जो है इसको भी सपोर्ट करता है। ये ड्रम इसका जो है लॉन्ग लास्टिक है, मोर देन 2 लाख इसके ड्रम की लाइफ है। कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड लो नॉइज इमल्शन, छोटा है और इसका जो नॉइज है वो बहुत ही कम है। अभी हम लोग सिर्फ दो ही मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हो गया हमारा 4125 और दूसरा है हमारा 4132, जो कि दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट मॉडल्स है। बाकी 8124 और 8130 जो है, ये दोनों कलर मॉडल है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेन फंक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कॉपी, प्रिंट, स्कैन, फेक्स जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शनल, मतलब ये ऑप्शनल है। सेमीकंडक्टर इसमें लेजर यूज हुआ है, जो कि हम लोगों का 2020 मॉडल था। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि सीपीयू की अगर हम इसकी बात करें तो ये ड्यूल कोर 1.6 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर के साथ में आता है। अगर हम इसकी प्रिंट और फोटोकॉपी स्पीड की बात करें तो ये 25 ppm, 25 पेज पर मिनट, और ये 32 पेज पर मिनट के साथ में आता है। मेमोरी की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 1 GB जो है इनबिल्ड रहता है, बाकी आप इसको 3 GB तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। SSD कैपेसिटी जो है इसमें ऑप्शनल है, आप इसको लगवा सकते हैं अलग से। वार्म अप टाइम जो है इसका 20 सेकंड और उससे भी कम है। इसकी जो ट्रे और बाईपास ट्रे की जो कैपेसिटी है वो है टोटल 600 सीट की। 500 सीट आप इसमें मेन ट्रे में लगा सकते हैं, 100 सीट जो है आप इसको बाईपास ट्रे में आप इसको यूज कर सकते हैं। 60 GSM से कम पेपर आप इसमें यूज नहीं कर सकते, साथ ही 163 GSM से ज्यादा पेपर आप इसमें यूज नहीं कर सकते। मल्टीपर्पज जो ट्रे है आपका, उसमें आप मल्टीपर्पज ट्रे में आप 45 से कम यूज नहीं कर सकते, और 256 से ज्यादा आप इसको यूज नहीं कर सकते। पेपर साइज की अगर हम इसकी बात करें तो ये मैक्सिमम A3 प्रिंट कर सकता है, मिनिमम जो है वो A5R में ये प्रिंट करके दे सकता है। RADF की बात करें तो आप इसमें 50 सीट जो है एक साथ इसमें यूज कर सकते हैं, वो दोनों में आप सेम यूज कर सकते हैं,
कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों मॉडल में 50 शीट एक साथ आप इसमें यूज कर सकते हैं। डायमेंशन की अगर इसकी बात करें तो 590x590 इसका जो है विड्थ और डायर रहने वाला है, और अगर हाइट की अगर इसकी हम बात करें तो 600mm इसका हाइट है विथ डीपी, डीपी भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। पावर कंजप्शन की अगर हम बात करें तो ये 390 वाट पावर कंजप्शन करती है और ये 515 वाट कंजप्शन करती है। कॉपी फंक्शन, मैक्सिमम पेज ये जो है A3 तक ले सकता है, मिनिमम जो है A6R तक इसको यूज आप कर सकते हैं। रिजोल्यूशन 600x600 dpi फोटो कॉपी के केस में। जूम आउट जूम इन आप इसको 25% तक कम कर सकते हैं और 400% तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन 600x600 dpi के साथ में और ये 1200x1200 dpi भी आप इसको यूज कर सकते हैं। 1200x1200 सिर्फ ये प्रिंट के केस में है, फोटोकॉपी के केस में सिर्फ 600x600 ही है। नेटवर्क प्रिंटिंग इसमें इनबिल्ट रहता है तो आप मल्टीपल पीसी को एक साथ कनेक्ट करके इसमें प्रिंट दे सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये विंडोज 7, 8, 12, 7 ये लाइनेक्स को भी सपोर्ट करता है। इंटरफेस इस जो है इसका USB 2.0, USB पे भी आप इसको USB पर भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं एज वेल एज आप इसको नेटवर्क पर भी कनेक्ट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। मोबाइल प्रिंटिंग भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एयर प्रिंटिंग मोप्रिया क्योसेरा मोबाइल प्रिंट से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो एंड्रॉयड है उसके लिए एक एप्लीकेशन रहता है जिसके थ्रू आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मशीन के अंदर एक IP डालना पड़ता है वो, और आप जब क्योसेरा की जो एप्लीकेशन है उसको यूज करेंगे तो डायरेक्टली उसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। साथ ही स्कैन भी आप उसका डायरेक्ट उसमें ले सकते हैं। अगर हम स्कैन की बात करें तो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ऑप्शन के साथ में ये आता है, जिसमें आपको 600, 400, 300, 200 dpi के साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं। फाइल सपोर्ट में टिप, JPEG, XPS, PDF, हाई कंप्रेस PDF को भी ये स्कैन कर सकता है, पर इस केस में आपकी फाइल साइज जो है वो बढ़ जाएगी। टेक्स्ट फोटो भी आप इसमें स्कैन कर सकते हैं। साथ ही स्कैन टू SMB मशीन से जो आप PC में डायरेक्ट स्कैन भेज सकते हैं, स्कैन टू मेल भी आप कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको कुछ ये सेटिंग करनी पड़ेगी SMTP और इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। फैक्स ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दीजिए। कंज्यूमेबल की अगर हम इसकी बात करें तो टोनर जो है उसका नंबर है इसमें 6110 जो है टोनर इसमें यूज होता है। मे बी इसकी जो लाइफ है वो भी मोर देन 10,000 है, और MK जो है इसमें 6119 और 6110 यूज होता है, जो कि इनकी लाइफ मोर देन 2 लाख है। बाकी ये ऑप्शनल है जो कि आप अलग से अपने इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट वाईफाई से प्रिंट लेना है, मशीन को लैन से कनेक्ट नहीं करना है और वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो उस केस में आप वाईफाई डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। SSD भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इसके मेन फंक्शन। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स ये मोर देन 1 लाख आपको प्राइस में मिलने वाला है। तो ये थे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी स्पेसिफिकेशन मॉडल के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। साथ ही आपको सर्विस से रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेंगे। साथ ही मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर सर्विस से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है तो। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।